फ्रेंड्स, आपको पता है YouTube का जो एल्गोरिथम होता है ना, वो सारा कुछ अपने से हैंडल करता है, सारा कुछ अपने से ऑप्टिमाइज करता है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले जितने सारे क्रिएटर थे ना, वो सारा का सारा इस प्रकार से लॉन्ग वीडियो बनाते थे। पहले कोई शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन नहीं रहता था, इसलिए सारा कोई लॉन्ग वीडियो बनाते थे और लॉन्ग वीडियो बना के अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे थे और लॉन्ग वीडियो पे व्यूज भी आता था, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट का ऑप्शन नहीं था। तो लॉन्ग ही वीडियो एकमात्र जरिया बनता था जिससे आप अपने इन्फॉर्मेशन को ले सकते थे, इन्फॉर्मेशन को जान सकते थे। लॉन्ग वीडियो का आपको पता है कि अर्निंग अच्छा खासा होता है, क्योंकि भाई उसमें एड रन किया जाता है, बहुत सारा मल्टीपल एड रन होता है। इसी के चलते जो लॉन्ग वीडियो है इसका अर्निंग बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ 2023 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर में आया जो हमारा शॉर्ट वीडियो, ठीक है, शॉर्ट वीडियो आ गया। तो शॉर्ट वीडियो आने के बाद भाई यहाँ तो ठीक है, यूट्यूब देखा, टिकटॉक आया, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म में शॉर्ट वीडियो को रन किया जाने लगा, सभी क्रिएटर शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। तो यूट्यूब भी अपना दिमाग लगाया और शॉर्ट वीडियो को लेकर आया कि क्यों ना यूट्यूब के अंदर भी शॉर्ट वीडियो को लेके आया जाए। तो उन्होंने शॉर्ट वीडियो को लाया 27 में जनवरी फरवरी मार्च के अंदर में, इन्होंने शॉर्ट वीडियो को यहाँ पे अलाउ कर दिया कि आप शॉर्ट वीडियो से अपने चैनल को मोनोटाइज कर सकते हो। तो सभी लोग खुश हो गए भाई कि शॉर्ट वीडियो भी यहाँ पे यूट्यूब पे आ गया और शॉर्ट से मोनेटाइजेशन भी एनेबल है, तो भाई क्यों ना शॉर्ट वीडियो बनाएं। तो जैसे कि आया उस टाइम सभी लोग शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए पागल हो गए, सभी लोग शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। कैसा भी बनाते थे फिर भी उनका मिलियन में व्यूज आ जाता था, 1.2 मिलियन, 1.5 मिलियन, किसी किसी का 20 मिलियन, किसी का 150 मिलियन, ठीक है, इस प्रकार से सभी का व्यूज आने लगा शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट वीडियो का पूरा बोलबाला था। अभी भी शॉर्ट वीडियो का बहुत ही ज्यादा बोलबाला है। लेकिन दोस्तों, यहां तक भी सीमित नहीं रहा, पहले क्या था, लॉन्ग वीडियो था, लॉन्ग वीडियो से फिर आया शॉर्ट वीडियो में, और शॉर्ट वीडियो से अब आ क्या हो गया कि जैसे कि यहाँ पे आपको मैं नॉर्मल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आप लोग जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब ऑन करोगे, तो यहाँ पे जैसे हम लोग यूट्यूब को यहाँ पे ओपन करते हैं ना, तो यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत ही आपके साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो भाई यहाँ पे अभी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यह शायद बड़ा स्क्रीन है या स्मार्ट बोर्ड है, इसी चलते यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे यूट्यूब तब तक ठीक था जब वो लॉन्ग वीडियो में था, वो ठीक था, ठीक है, शॉर्ट वीडियो लाया वो भी ठीक था। लेकिन दोस्तों, अब क्या हो ना, जब आप यूट्यूब को ओपन करोगे ना, तो यूट्यूब को जैसे आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले चार शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, आपको अपने फ्रंट में चार शॉर्ट इस प्रकार से आपको होम पेज में ही मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे जब आप ओपन करोगे। आपका अगर इस प्रकार से नहीं आ रहा, अपडेट कर लो, आपका 100% चार शॉर्ट्स आने लगेगा। एंड दोस्तों, जब चार शॉर्ट्स आता है तो इसमें इंडिया के लोग क्या करते हैं ना, 100% में, ठीक है, 100% में 80% ना इस शॉर्ट्स पे क्लिक करता है, ठीक है, शॉर्ट्स पे क्लिक करता है, क्योंकि भाई वो एक नहीं दो नहीं लगभग चार चार शॉर्ट्स दिखा रहा है यूट्यूब पे फ्रंट में। तो फ्रंट में जब शॉर्ट्स दिखा रहा है तो किसी में वो क्लिक करता है, ठीक है, अब क्लिक करता है तो इस प्रकार से वो प्ले करने लगता है, ठीक है, वीडियो प्ले होने लगता है। अब जब प्ले होता है ना, तो आपको पता होगा कि जब आप YouTube पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट वीडियो पे एंटर कर जाते हो तो 80% इस YouTube के शॉर्ट्स या किसी भी शॉर्ट्स में एंटर जरूर करते हैं, और 80% में ना 70% उसी में फंसे रहते हैं, बाकी बात जो 10% वही YouTube के वो शॉर्ट्स के निकल पाते हैं। शॉर्ट्स वीडियो जो कंट्रोल कर रहा है ना एल्गोरिथम, वो सभी के माइंड के साथ खेल रहा है, सभी के माइंड सेट के साथ वो मजाक कर रहा है, खेल रहा है, क्योंकि भाई आपको पता होगा कि शॉर्ट्स वीडियो एक ऐसा चीज है ना, जब आप उसमें घुस जाओगे तो आप लोग निकलना मुश्किल हो जाएगा उस शॉर्ट्स वीडियो में, आपको तरह तरह की चीजें तुरंत आपके माइंड को वहां पे चेंज कर दिया जाता है, कभी आपको दार्जिलिंग ले जाएगा, कभी आपको दुबई ले जाएगा, कभी आपको इंडिया में, कभी कोई क्रिएटिविटी चीज दिखाया जाएगा, कभी आपको कुछ अलग चीजें दिखाई जाएंगी, कभी वैसी चीज दिखाई, मतलब आपके माइंड को ना भरा जा रहा है। पहले शॉर्ट वीडियो को नहीं, पहले लॉन्ग वीडियो देख के आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेते थे जिससे उनको कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन अब शॉर्ट वीडियो आ गया, शॉर्ट वीडियो में 30-30 सेकेंड में अपने माइंड को चेंज कर रहा है। तो भाई जब आप अपने 30-30 सेकेंड में अपने माइंड को चेंज करते रहोगे तो आपका माइंड खुद नहीं संभाल पाएगा कि आप करो तो करो क्या, आपको वहां पे हर चीज को बताएंगे कि आप इसको काम करो, आप इसको करो, आप इसको करो, आप इसको करो, क्योंकि भाई आप 30 सेकेंड देख रहे हो। उसी की बदौलत अगर आप लोग लॉन्ग वीडियो देखोगे ना, तो लॉन्ग वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का रहता है, और उसको एक गौर से अच्छे तरीके से देखोगे तो आप वहां पे आपको सीखने को मिलेगा, आपके माइंड को भटकने का वहां पे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे आपके माइंड को पूरा भटका दिया
रहता है और आप इसी में फंसे रह जाते हो, 80-70% इसी में फंस जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा कि भाई कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई बंदा काम कर रहा है ना, तो वो अपने इनकम के लिए काम कर रहा, ठीक है, यदि आप उसका इनकम नहीं रहेगा तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और आपको पता होगा शॉर्ट्स वीडियो का इनकम है ना बहुत ही डाउन है, बहुत ही ज़्यादा डाउन लॉन्ग वीडियो के मुकाबले। यदि इस वीडियो में 1.1 मिलियन व्यूज आ जाएगा लॉन्ग वीडियो में और वही शॉर्ट्स वीडियो में 1.2 मिलियन व्यूज आ जाएगा ना, तो दोनों का अगर यदि आप लोग कंपैरिजन करोगे तो भाई इसका अर्निंग कितना डिफरेंट है पता है? यदि इसका अर्निंग 70% हुआ ना तो इसका अर्निंग मात्र 10% होगा इसके मुकाबले। यहाँ पे 1.2 मिलियन की जगह यहाँ पर 50 मिलियन या 100 मिलियन आए तब जाके ये 1 मिलियन का टक्कर दे पाएगा, या इसमें 200 मिलियन 300 मिलियन 400 मिलियन आए तब जाके इसका टक्कर देने पाएगा। क्योंकि भाई आपको पता है कि लॉन्ग वीडियो का अर्निंग और शॉर्ट वीडियो का अर्निंग किस प्रकार से डिफरेंट है, कितना अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे अर्निंग भी कम है और लोगों को इंगेज भी किया जा रहा है और यूट्यूब सभी यूट्यूबर्स को जबरदस्ती मिल कर रहा है कि आप इस ट्रेंडिंग, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सा ट्रेंडिंग आपको बता रहा है, ट्रेंडिंग सॉन्ग दे देगा, बोलेगा आप इस ट्रेंडिंग सॉन्ग पे बनाओ, पूरा कंट्रोल कर रहा है आपके माइंड को। और आपके माइंड को कंट्रोल करके वो यूट्यूब पे शॉर्ट लाया, शॉर्ट से फिर फ्रंट में लाया, फ्रंट से उसको 80% ऑडियंस को शॉर्ट्स में बिता रहा है और शॉर्ट से वो इनकम कर रहा है, बाकी जितने शॉर्ट क्रिएटर है उसको अच्छा खासा अर्निंग नहीं दे रहा है, जिससे उसका अर्निंग बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो भाई आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आप लोग कुछ लॉन्ग वीडियो देखे कुछ सीखो जिससे आपके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ सके, ना कि 30 सेकंड में अपने माइंड को चेंज करते रहो जिससे आपका माइंड इधर उधर रह जाएगा, आपका माइंड लाखों करोड़ों वीडियो में बिक जाएगा, तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई अपने माइंड को सही करो और कुछ फोकस करो और कुछ लॉन्ग वीडियो देखो जिससे आपको वहां पे आपको कुछ सीखने को मिलता है, वहां पे कुछ देखो, ना कि स्क्रॉल करते रहो। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को आज का इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।